की राजनीति से जुड़े इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया है। जी हां, दिल्ली के एम्स में वो भर्ती थे, जहां पर उन्होंने अंतिम सांस ली से पहले कई दिनों से वो बीमार चल रहे थे, फेफड़े की बीमारी से ग्रसित थे, जिसके कारण उनका इलाज दिल्ली के एम्स में चल रहा था और इसी दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली है। बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर रघुवंश प्रसाद सिंह ने अंतिम सांस ली है और उनका निधन हो गया है। बिहार के राजनीतिक गलियारों में दुख की लहर है, शोक की लहर है। आपको बता दें कि इससे पहले रघुवंश प्रसाद सिंह कई दिनों से बीमार चल रहे थे, कोरोना संक्रमित भी पाए गए थे, जिसके बाद से पटना एम्स में वो इलाजरत थे और वहां से जब उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई तब उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। लेकिन इसी दौरान कई बार वो ऐसे ऐसी बीमारी से पीड़ित हुए, खास करके फेफड़े की बीमारी से ग्रसित थे, जिसके बाद उन्हें दिल्ली ट्रांसफर किया गया और दिल्ली में एम्स में एडमिट कराया गया और जहां पर उन्होंने अंतिम सांस ली है। इससे पहले रघुवंश प्रसाद सिंह काफी नाराज भी चल रहे थे, आरजेडी की गतिविधियों से खफा भी चल रहे थे और उन्होंने आरजेडी से अपने सभी पदों के साथ साथ पार्टी से ही इस्तीफा दे दिया। लालू प्रसाद यादव को इस्तीफानामा उन्होंने अपने हाथों से लिखकर ही सौंप दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं माफी चाहता हूं, लेकिन पार्टी की जो गतिविधियां हैं, जो नीतियां हैं, वो बिल्कुल विरोध में चल रही है और अब मैं पार्टी के साथ ज्यादा दिन तक बना नहीं रह पा सकता हूं। जिसके बाद लेटर जारी कर उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद से बिहार की राजनीति हलकों में काफी हलचल भी बढ़ गई थी। यहां तक कि लालू प्रसाद यादव ने खुद माफी मांगते हुए रघुवंश प्रसाद सिंह को एक लेटर लिखा, मार्मिक तरीके से। इस इमोशनल लेटर में उन्होंने कहा, हक जताते हुए, कि तुम कहीं नहीं जा रहे हो, ये तुम समझ लो, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। लेकिन रघुवंश प्रसाद सिंह ने जिस तरीके से पार्टी से नाराजगी जताई और जिस तरीके से तल्ख तेवर उनके दिखे और उसके बाद उन्होंने पार्टी के से इस्तीफा दे दिया और मानने को तैयार नजर नहीं आए। ऐसे भी तेजस्वी यादव पर भी आरोप लगाए जा रहे थे कि तेजस्वी यादव पार्टी में सीनियर लीडर को तवज्जो नहीं देते हैं। शायद यही वजह है कि रघुवंश प्रसाद सिंह कई दिनों से ये सोच रहे थे और आखिरकार उन्होंने फैसला ले लिया कि अब वो आरजेडी के साथ बने नहीं रहेंगे। जेडीयू ने अब डोरे डालने शुरू कर दिए थे रघुवंश प्रसाद सिंह पर और उन्हें उनको उनके बेटे को एमएलसी बनाने की बात भी निकलकर सामने आ रही थी। कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब रघुवंश प्रसाद सिंह जेडीयू का दामन थाम सकते हैं। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि रघुवंश प्रसाद सिंह ने अब अंतिम सांस ले ली है, उनका निधन हो गया है। दिल्ली के एम्स में इलाजरत थे और वहीं पर उन्होंने अंतिम सांस ली है। बिहार की राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर है, सभी लोग चौंके हुए हैं क्योंकि कई दिनों से उनका इलाज चल रहा था, लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था कि इतने जल्द रघुवंश प्रसाद सिंह अंतिम सांस ले लेंगे। और जिस तरीके से बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि एक बड़ा उलटफेर बिहार की सियासत में देखने को मिल सकता है, क्योंकि रघुवंश प्रसाद सिंह जो कि पार्टी से खफा चल रहे हैं, आरजेडी से उन्होंने गुड बाय कह दिया, उसके बाद कयास लगाए जाने लगे कि जेडीयू का दामन थामेंगे और विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में ये भी सवाल उठ रहा था कि आखिर रघुवंश प्रसाद सिंह क्या जेडीयू का दामन थामेंगे, क्या उस पाले में जाएंगे। और ये भी खबर आ रही थी कि आरजेडी में रामा सिंह की एंट्री हो सकती है और रामा सिंह से 36 के आंकड़े हैं रघुवंश प्रसाद सिंह के साथ। शायद यही वजह है कि रघुवंश प्रसाद सिंह ये चाहते थे कि वो पार्टी में नहीं बने रहेंगे, जब तक रामा सिंह की एंट्री पर रोक नहीं लगती है तब तक रघुवंश प्रसाद सिंह पार्टी के साथ नहीं रहेंगे। इसके साथ रघुवंश प्रसाद सिंह ने लालू प्रसाद यादव पर आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि पहले जो समाजवादी छवि होने का दावा करते थे, वो छवि अब धूमिल होती दिख रही है। अब सामंतवादी लालू प्रसाद यादव हो गए हैं, उनकी पार्टी में सीनियर लीडर को तवज्जो नहीं दी जाती है। इससे पहले मैंने कितनी बार लेटर लिखा लेकिन लेटर का जवाब तक नहीं आया, यहां तक कि पार्टी में सचिव से ज्यादा महासचिव बनाए जाते। तो तमाम तरह के जो आरोप है वो रघुवंश प्रसाद सिंह लगातार आरजेडी पर लगाते आ रहे थे। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर कि रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो चुका है, दिल्ली के एम्स में उन्होंने अंतिम सांसें ली है और अब इस खबर से बिहार की राजनीतिक हलकों में कहीं ना कहीं शोक की लहर है, सभी लोग हैरान है, अचंभे में है, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले एक वरिष्ठ नेता का निधन हो जाना बिहार की राजनीति के लिए बेहद ही दुखद खबर है।